यूं तो जंगल में खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं है, पूरा जंगल ही एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। लेकिन बात जब एनिमल किंगडम के सबसे ताकतवर जानवरों की आती है तो उनमें बिग कैट फैमिली का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये जंगल में मौजूद वो हैवान है जिनसे पूरा जंगल थर थर कांपता है। मगर इसी जंगल में एक ऐसा भी दरिंदा मौजूद है जिससे बिग कैट फैमिली के मेंबर्स भी बचकर ही रहना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं पानी के राक्षस मगरमच्छ की, जो अपने मजबूत जबड़ों से किसी भी जानवर को मार गिराने का दम रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको इन बिग कैट्स और मगरमच्छ के हमलों की तरफ लेकर चलते हैं। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। जैगुआर जंगल का वो खूंखार शिकारी है जो किसी भी जानवर को पल भर में मौत की नींद सुलाने की ताकत रखता है। लेकिन आज इसका सामना जमीन के किसी शिकारी नहीं बल्कि पानी के दानव मगरमच्छ से होने वाला है। ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ शिकार की तलाश में एक जैगुआर नदी के किनारे पर चला जा रहा है, तभी उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है जो पानी के बीच बैठा एक जगह आराम कर रहा है। अब जैगुआर तुरंत ही पानी में उतरता है और तैरता हुआ उस मगरमच्छ के पास पहुंचता है। वो अपने कदमों को बहुत धीमे से आगे बढ़ाता है ताकि मगरमच्छ को उसके आने का एहसास भी ना हो। वहीं मगरमच्छ भी बड़े आराम से बैठा धूप सेक रहा है, लेकिन तभी जैगुआर उस पर हमला बोल देता है। अचानक हुए हमले को देख मगरमच्छ भी हैरान रह जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैगुआर उसे इतनी ताकत से पकड़ता है कि वो छूट नहीं पाता। आखिरकार जैगुआर उस मगरमच्छ की गर्दन को अपने जबड़े से पकड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ रात के अंधेरे में जैगुआर अपने शिकार की तलाश में निकला है। उसकी नजरें किसी शिकार के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रही है। तभी उसे अपने सामने मौजूद तालाब के अंदर एक मगरमच्छ तैरता दिखाई देता है और वो तुरंत ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ उसे देखता है तो पानी के अंदर डुबकी मार देता है। मगर जैगुआर भी इतनी जल्दी हार मानने वाले शिकारियों में से नहीं है। वो तब तक अपने शिकार को नहीं छोड़ता जब तक कि उसे मार ना गिराए। अगले ही पल जैगुआर इस रात के अंधेरे में पानी में उतर जाता है और अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। इधर मगरमच्छ भी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, मगर जैगुआर जल्दी ही अपने शिकार को ढूंढ निकालता है और मगरमच्छ की सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर उसे अपने जबड़े से दबाकर मार डालता है। लगता है जैगुआर को मगरमच्छ का मांस कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, तभी तो इसे जहाँ भी मगरमच्छ दिखाई देता है वो इसे दबोचने के लिए निकल जाता है। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए, यहाँ जैगुआर नदी के किनारे पर शिकार की तलाश में भटकता दिखाई दे रहा है, तो वहीं नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इस जैगुआर की नजर मगरमच्छ पर पड़ती है तो वो सतर्क हो जाता है और वहीं किनारे पर बड़ी ही होशियारी के साथ अपने शिकार पर नजरें गड़ाकर बैठ जाता है। अब उसे इंतजार है तो बस एक सही मौके का, जब मगरमच्छ उसके करीब आए और वो उस पर हमला करने में कामयाब हो जाए। जल्दी ही वो मौका भी आता है और जैसे ही मगरमच्छ किनारे की तरफ बढ़ता है तो जैगुआर उस पर कूद जाता है। उसके हमले से बचने के लिए मगरमच्छ छटपटाता है, लेकिन जैगुआर की ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाता। अब जैगुआर शिकार को अपने जबड़ों में दबाकर वहां से निकल जाता है। चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। चीता जंगल का ऐसा शिकारी है जो अपने हंटिंग स्किल के साथ तेज रफ्तार के लिए भी जाना जाता है। इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक कुशल शिकारी में होने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आता है जब जंगल के इस खतरनाक शिकारी को भी मुंह की खानी पड़ती है और अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे यहाँ एक चीता तालाब के किनारे पर अपनी प्यास बुझाने के लिए पहुँच चुका है। वो तालाब से पानी तो पीना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे पानी में मौजूद खतरे का भी एहसास है, इसलिए वो सतर्क भी है। आखिर जैसे ही वो पानी की तरफ अपना मुंह बढ़ाता है तो पानी के अंदर से एक भयानक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना अचानक होता है कि चीता को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और मगरमच्छ उसे अपने जबड़े में भर कर पानी में ले जाता है।
जाता है। बेचारा चीता खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती। इधर पास ही में खड़े चीता के दोस्त इस पूरे मंजर को देखते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पानी में मगरमच्छ से भिड़ना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। क्रोकोडाइल वर्सेस लायन। आमतौर पर हमें यही देखने को मिलता है कि जंगल के राजा शेर को देखकर बड़े बड़े जानवर भी अपना रास्ता बदल देते हैं, मगर आज यहाँ उसका सामना पानी के उस शैतान से है जो किसी से टकराने से पीछे नहीं हटता। पानी के लहरों के बीच एक शेर नदी पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यहाँ पहले से ही एक शिकारी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो शेर नदी को पार करने के लिए उसमें छलांग लगाता है, तभी पानी के अंदर मौजूद एक मगरमच्छ उसके पीछे लग जाता है। शेर थोड़ा ही आगे बढ़ा है कि मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े से शेर की गर्दन पर अटैक कर देता है। वैसे अगर ये हमला जमीन पर होता तो शेर जवाब देने से पीछे नहीं हटता, लेकिन पानी में वो भी मगरमच्छ से उलझने की हिम्मत नहीं करता और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा कर वहां से दुम दबा कर भाग खड़ा होता है। यहाँ भले ही मगरमच्छ ने शेर को खदेड़ कर रख दिया, लेकिन हर बार ऐसा हो ये भी तो संभव नहीं है। जैसे इस बार एक मगरमच्छ खुद ही शेर के चंगुल में फंस गया है, तो आइए देखते हैं कि शेर इस मगरमच्छ से बदला लेने में कामयाब होता है या हार जाता है। यहाँ कुछ भूखे शेरों के बीच एक मगरमच्छ पूरी तरह फंसा हुआ है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। शेर बार बार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी बिना डरे हर बार इनका डटकर मुकाबला कर रहा है। इस बीच एक मौका ऐसा भी आता है जब शेर मगरमच्छ की एक टांग को अपने मुंह से पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ उसकी तरफ गुर्राता है तो शेर की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो मगरमच्छ को छोड़ देता है। अब मगरमच्छ भी सही मौका देखकर वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है और पास के ही तालाब में उतरकर अपनी जान बचाता है। जंगल में शेर के साथ मगरमच्छ की लड़ाई होना बहुत आम बात है, तभी तो अक्सर ये एक दूसरे से लड़ते दिख जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अकेले मगरमच्छ को कुछ शेरनियों और उनके बच्चों ने घेरा हुआ है, लेकिन तमाम खतरों के बावजूद भी मगरमच्छ वहीं डटा हुआ है। शेरनियां और बच्चे इसके पास ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे आज ये इसे जिंदा चबा डालेंगे, लेकिन मगरमच्छ डरने की बजाय खुद इन्हें ही डराने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, मगर थोड़ी देर में शेरनी और बच्चे उसे घेरना शुरू करते और उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन अब मगरमच्छ इनके अटैक का ऐसा जवाब देता है कि वे सभी इसे देखकर दंग रह जाते हैं और तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। इस मौके को देख मगरमच्छ भी एक्टिव हो जाता है और अपने पीछे मौजूद नदी की तरफ भागने लगता है। इधर सभी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मगरमच्छ भाग जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस लेपर्ड। बिग कैट फैमिली में एक नाम लेपर्ड का भी शामिल है। ये जंगल का वो शिकारी है जो अपनी फुर्ती के साथ ही शिकार को मार गिराने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि जंगल में इसका एक अलग ही रुतबा है, लेकिन जब इसका सामना किसी खतरनाक मगरमच्छ से हो तो क्या हो, चलिए जानते हैं इस क्लिप में। शिकार की तलाश में घूमता हुआ एक लेपर्ड तालाब के पास से गुजर रहा है, लेकिन तभी इसकी नजर पानी में बैठे एक मगरमच्छ पर पड़ती है जिसके पास एक शिकार भी है। उसे देख लेपर्ड तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मगरमच्छ के पास पहुंचता है तो मगरमच्छ उस पर हमला करने की कोशिश में लग जाता है। एक पल के लिए तो लेपर्ड भी पीछे हट जाता है, लेकिन वो भी कुछ कम जिद्दी नहीं है। वो इसी जगह रुककर मगरमच्छ से उस शिकार को छीनने की कोशिश में लगा रहता है। दोनों जानवरों के बीच लड़ाई का ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जब भी लेपर्ड आगे बढ़ता है तो मगरमच्छ उसे डरा कर दूर हटा देता है। आखिरकार इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलता और लेपर्ड को वहां से जाना पड़ता।
सकता है। तो दोस्तों, ये थे बिग कैट्स और पानी के दानव मगरमच्छ के कुछ शानदार हमले। आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।